जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने जबलपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीका। सांसद राकेश सिंह की अगुवाई में भाजपा विधायक नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने जबलपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में अनुसूचित जाति जनजाति के सांसदों को स्थान दिया गया था, जब सांसद में वर्षाकालीन सत्र के दौरान अनुसूचित जनजाति के मंत्रियों का परिचय कराया जा रहा था। उस वक्त विपक्ष ने अमर्यादित आचरण का परिचय दिया और संसद में शोर शराबा मचाया गया, जिसकी वजह से मंत्रिमंडल में शामिल अनुसूचित जाति के मंत्रियों का परिचय नहीं दिया जा सका। और उन्होंने कहा, विपक्ष का दोहरा चेहरा उसके चरित्र को जाहिर कर रहा है और जनता सब कुछ समझ रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं। कोविड के दौरान हम और आपने सभी ने देखा, जिस तरह का संक्रमण काल के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सारे जनप्रतिनिधियों ने, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने और कार्यकर्ताओं ने जनता के बीच में जाकर जहां तक गरीब लोगों के बीच में राशन पहुंचाने के काम में मदद की, भोजन के पैकेट, आयुष का काढ़ा, कैसे मतलब लोगों को बचाया जाए, एक तरफ जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सारे जनप्रतिनिधि पदाधिकारी कार्यकर्ता जनता के बीच में जा रहे थे, और ऐसे संक्रमण के समय भी विपक्ष केवल आलोचना के अलावा दूसरा कार्य नहीं कर रहा था। वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो पहले जब वैक्सीनेशन की बात आती थी, पोलियो का समय हम और आपने देखा, दुनिया के छोटे बड़े सभी देशों में पोलियो के लिए वैक्सीनेशन का उपयोग हो गया था, लेकिन हमारे यहां 2-3 साल के बाद वैक्सीनेशन पोलियो का उपयोग हुआ था। लेकिन यह पहली बार है जब हम दुनिया के दूसरे देशों की ओर हमने वैक्सीनेशन के लिए नहीं देखा, बल्कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने वैज्ञानिकों को इस क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए, चिकित्सकों को इस क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए वैक्सीनेशन हमारे देश में निर्मित हो और वैक्सीनेशन देश में बनाने की पहल की गई। आज लगभग 60 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। सितंबर माह में हम 18 से 20 करोड़ वैक्सीनेशन का उत्पादन हमारा देश करेगा। अक्टूबर में 25 से 30 करोड़ का वैक्सीनेशन का उत्पादन हमारे देश में होगा और हम वैक्सीनेशन के क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ जाएंगे। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने कहा कि जिन प्रदेशों में कभी भाजपा की सरकार नहीं थी, अब वहां पर भाजपा की सरकार है और जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से सरकार वहां पहुंच रही है, जनता का भारी समर्थन प्राप्त हो रहा है। उन्होंने बताया कि जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान त्रिपुरा पहुंचे थे, जहां की जनता ने सरकार पर विश्वास जताया और जन आशीर्वाद यात्रा को आशीर्वाद प्रदान किया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने पहले दिन से लेकर लगातार हम विपक्ष से इस बात के लिए हम आग्रह करते थे कि आइए, आपको जिन मुद्दों पर चर्चा करना है, सरकार हर विषय पर जो है ना चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष की चर्चा करने में कोई रुचि नहीं रही। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, विपक्ष का केवल एक ही एजेंडा रहा कि ना काम करना है ना काम करने देना है, और शायद शोर मचाकर सदन की कार्रवाई में बाधा खड़ी करके वो अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने में पूरे समय उन्होंने अपने समय को बर्बाद किया। इस सारी अवधि में बहुत सारी जो है ना कल्याणकारी योजनाओं की, बहुत सारे बिलों के बारे में जो है ना लोकसभा से चर्चा हो सकती थी, उन बिलों के माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम हो सकता था, लेकिन विपक्ष स्वयं जो है ना अपनी जवाबदेही से पीछे भाग रहा है और चर्चा करने से पीछे आ रहा है। व्यवहार विपक्ष के द्वारा किया गया इस तरह का अमर्यादित व्यवहार सदन के अंदर पहले कभी नहीं देखा गया, और जब इसका परिचय वहां पर नहीं होने पाया, उसके कारण से देश भर का जो ओबीसी समाज है, अनुसूचित जाति का समाज है, अनुसूचित जनजाति का समाज, और पूरे देश में मातृशक्ति में इस बात को लेकर काफी रोष पैदा हुआ कि हमारे बीच के जिन सांसदों को मंत्रिमंडल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्थान दिया गया, उनका परिचय नहीं होने दिया गया।
और विपक्ष ने केवल इतना ही नहीं, विपक्ष ने ना तो कोई काम खुद करते हैं और ना ही काम करने दे रहे हैं। हमने जिस तरह का अमर्यादित व्यवहार लोकसभा में इस बार के वर्षाकालीन सत्र में देखा, मैं पिछले 25 वर्षों से लोकसभा में आ रहा हूं। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, 13 महीने की सरकार और 18 महीने की सरकार के समय भी मैं उनके साथ में सांसद के रूप में काम करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। तो हमने सत्ता के रूप में भी, और जब 2004 से 2014 के बीच में यूपीए की सरकार रही है, उस समय विपक्ष के रूप में भी हमने सदन की कार्रवाई को देखा है। और उस समय हमारा भी एक जिन मुद्दों पर विरोध होता था उसमें अपनी विपक्ष की गरिमा के अनुरूप हमने सारा विरोध दर्ज कराने के लिए आचरण व्यवहार किया। मुझे याद आता है सम्मानीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जब हम लोग विपक्ष में थे और जैसे ही राउंड ऑफ चेयर के सामने यहाँ पर हम आप बैठे हैं, सामने स्पीकर महोदय की सीट होती है राज्य। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने बताया कि कोविड-19 संक्रमण काल में भाजपा के सांसद मंत्रियों और कार्यकर्ताओं ने आम जनता तक राशन सामग्री का वितरण किया है और आयुर्वेदिक काढ़ा भी जनता तक पहुंचाया गया है। जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से, ये जन आशीर्वाद यात्रा लेकर क्यों निकलना पड़ा, अभी आप लोगों ने देखा कि वर्षाकालीन सत्र के दौरान देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो सदन की परंपरा रही आजादी से लेकर अभी तक, जब भी नए मंत्रिमंडल का गठन होता है या विस्तार किया जाता है, तब देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मंत्रिमंडल के सदस्यों का परिचय लोकसभा एवं राज्यसभा के माध्यम से देश की जनता को कराया जाता है, उनको क्या दायित्व दिया गया है। लेकिन आप सभी ने देखा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब मंत्रिमंडल के नए साथियों का परिचय कराने के लिए लोकसभा और राज्यसभा के सदन पर जब खड़े हुए, तो विपक्ष ने लगातार शोर शराबा करके उन्हें नए मंत्रियों का परिचय नहीं कराने दिया। जो कार्य लोकसभा में किया वही राज्यसभा में भी किया। आदरणीय मोदी जी के मंत्रिमंडल में 27 ओबीसी के सांसदों को मंत्री बनाया गया, 12 अनुसूचित जाति के सांसदों को मंत्री बनाया गया, 8 अनुसूचित जनजाति के सांसदों को मंत्री बनाया गया और 11 हमारी बहनों को मंत्री बनाया गया। लेकिन जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनका परिचय कराने के लिए खड़े हुए, तो जिस तरह का पहले केवल हथियार ही नहीं बुलाते थे बल्कि लड़ाकू विमानों पनडुब्बियों का भी हम आयात किया करते थे, पर आज भारत इस दिशा में आगे बढ़ रहा है और लड़ाकू विमान और पनडुब्बियों का निर्माण भी आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस क्षेत्र में लगे हुए लोगों को, अनुसंधानकर्ताओं को प्रोत्साहित करके ये आधुनिक लड़ाकू विमान और पनडुब्बियां हमारे अपने देश में निर्मित हैं। आप सबने देखा कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से और हमारे राज्यों के जो बेटे बेटियां हैं उनको अपने राज्य की मातृभाषा में पढ़ने की योजना इस नई शिक्षा नीति के माध्यम से बनाई जा रही है। जब गांव का बेटा गांव की बेटी अपनी मातृभाषा में पढ़ा करके आगे बढ़ेगी तो उसकी प्रतिभाओं को और भी ज्यादा सक्षमता के साथ में आगे बढ़ने का, समाज और देश के विकास में योगदान देने का अवसर उसको मिलेगा। मित्रों, 2047 की ओर हम बढ़ रहे हैं। बीच का जो काल है 25 वर्ष का, हमने 75वां वर्षगांठ आजादी की मनाई, 2047 में जो हम 100वां वर्षगांठ हम आजादी की मनाएंगे, इस 20 की अवधि को अमृत काल कहा गया है। और इस अमृत काल की अवधि में
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना बनाई और प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के माध्यम से जो रोड मैप तैयार किया जा रहा है उसमें सड़कों के लिए, उसमें रेलवे के लिए, उसमें औद्योगिकरण के क्षेत्र में 16 करोड़ रुपए का ये रोड मैप तैयार किया जा रहा है जो इससे इन सारे विविध क्षेत्रों में कार्य किए जाएंगे और इन कार्यों से न केवल देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जलपुर से आशीष वात्री की रिपोर्ट।